जय हिंद साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहेंगे। ये भी अपने फिजिक्स से टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं अपन इसको, जिसका नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति का, वर्क पावर एनर्जी का। एक सिंपल सा टॉपिक है, मैं यूं कहूँ कि लगभग अपने 3 क्लास के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा अपने इसको बर्डन में नहीं लेना है, बहुत ज्यादा या इसको लंबा भी नहीं लेना है अपने को पढ़ने को। तो कार्य ऊर्जा शक्ति में कई चीजें पढ़ सकते हैं अपन, इधर उधर की बहुत सारी थ्योरी मिला सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं अपने सिलेबस की, अपने लेवल की, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो अपना ये टॉपिक 3 या लास्ट 4 क्लास का अपना टॉपिक रहेगा और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लगभग 1 क्लास में अपना कार्य खत्म हो जाएगा, लगभग 1 क्लास में ऊर्जा हो जाएगा, लगभग 1 क्लास में शक्ति हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो थोड़ा इसका पार्ट, थोड़ा इसका करके अपने को जितना अपने सिलेबस में आता है, जितना अपने को कवर करना जरूरी है, वो अपन देख लेते हैं। किसमें? वर्क पावर एनर्जी में। इसको शॉर्ट में कई लोग WEP भी बोलते हैं। WEP क्या? वर्क एनर्जी पावर। अब अपन सबसे पहले, आपको नाम जो दिख रहा है क्या, कार्य का, सबसे पहला नाम कौन सा दिख रहा है अपने को? कार्य। तो अपन सबसे पहले टॉपिक ही कौन सा उठाएंगे? कार्य का। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक अपन ने फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक तो पढ़ा है विद्युत धारा का, विद्युत धारा अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हुई। एक अपन ने पढ़ा है किसका, गति का, मोशन का। अपने गति कंप्लीट है, विद्युत धारा कंप्लीट है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कार्य ऊर्जा और शक्ति का, वर्क एनर्जी पावर का। तो सबसे पहली बात क्या कि जब अपन वर्क एनर्जी पावर की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला नाम ही अपने को क्या दिख रहा है, वर्क। क्या नाम दिख रहा है जवानों? वर्क दिख रहा है अपने को, कार्य दिख रहा है। तो सबसे पहली बात ही अपन किसके रिगार्डिंग करेंगे, कार्य के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको भैया W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? W से करते हैं। वही सेम बात फिजिक्स में अपने, सबसे पहली बात तो सर की कार्य की परिभाषा क्या है, दूसरी बात सर कार्य का सूत्र क्या है, और तीसरी बात सर कार्य का मात्रक क्या है, फिर आगे की बात करना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं एक थीम पकड़ लीजिए, एक फंडा पकड़ लीजिए कि इस फंडे के आधार पर, इस फंडे के बेसिस पे अपने वो क्या पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, पूरा फिजिक्स पढ़ना है। सबसे पहली बात कि सर कार्य होता क्या है, सबसे पहले हमें ये बता दो। मैं आपको ये बताऊंगा, माना कि कोई वस्तु पड़ी है, वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में। उस विराम अवस्था वाली वस्तु पर बल लगा करके आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहोगे, उसको तो मैंने आपको क्या बोला था, गति है। लेकिन यहां पर क्या बोला जाता है कि अगर आप कोई वस्तु पे बल लगाते हो, बल लगा करके उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन कर देते हो, यानी उसमें क्या आ जाता है, विस्थापन आ जाता है। सर विस्थापन क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट एक भौतिक राशि है जो अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। सपोज दैट मैं यहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर किसी ने बल लगाया, मैं यहां से यहां खड़ा हो गया, इसका मतलब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया हूं, मेरे ऊपर किसने कार्य किया, बल ने। मैं उस बल की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट एक से पॉइंट दो तक आ गया हूं, तो मेरे बल का और विस्थापन का जो गुणा होगा वही अपना क्या होगा, कार्य। ये तो मैंने फिजिक्स की बात बोली, लेकिन मैं अगर नॉर्मली बात करूं कार्य का मतलब क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, किसी वस्तु पर बल लगने से उसके अंदर गतिशीलता आ जाना या गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। मैं कार्य के लिए सिंपली क्या बोल सकता हूं कि बल का उपयोग करके किसी विराम वस्तु को गतिशील करना या गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है, कार्य। आप मुझे बताओ जवानों, क्या मुझे परिभाषा लिखानी चाहिए क्या? नहीं। सिंपल सी बात है कि किसी विराम वस्तु पर बल का उपयोग करके उसकी विराम अवस्था को गति की अवस्था में बदल देना या गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। आपको पढ़ना क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, यहां अपन सीधा सीधा फिजिक्स के हिसाब से लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगे बल तथा बल के कारण उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को उत्पन्न विस्थापन के
गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। बात को समझना कि मैंने कहा क्या है, मैंने लिखवाया क्या है, साथ में नोट भी करते चलें। मैंने आपको क्या कहा कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल के कारण उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। भैया परिभाषा समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। और मैंने कहा था जिस भी भाई को, जिस भी बंदे को डेफिनेशन समझ में आ जाती है, परिभाषा समझ में आ जाती है, वो सूत्र बना लेगा। अब सूत्र कैसे बना लेगा तो देखना, मैंने कहा किसी वस्तु पर लगे बल, बल का मतलब एफ, किसी वस्तु पर लगे बल तथा बल के कारण उत्पन्न विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या, विस्थापन का मतलब आपका एस, विस्थापन का मतलब क्या S, इन दोनों के गुणा को ही क्या बोलते हैं W, तो लिख दो W बराबर, मैंने क्या बोला, जो मैंने लिखवाई है लाइन, जो मैंने परिभाषा बताई है उसके अनुसार ही मैं सूत्र लिख रहा हूं। भैया परिभाषा से सूत्र बनेगा, सूत्र से मात्रक बनेगा। परिभाषा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आना चाहिए, परिभाषा। डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप क्या बना लोगे, सूत्र बना लोगे। और सूत्र अगर आपको आ जाता है, फॉर्मूला अगर आपको आ जाता है तो मात्रक बना लोगे आप। और मात्रक भी जिसको आता है वो विमा बना लेगा, अपने सिलेबस में विमा नहीं है इसलिए अपन उसकी बात नहीं करेंगे। तो W बराबर F इंटू S, ये क्या है आपका किए गए कार्य का सूत्र है। क्या सर, क्या बात कर रहे हो, W बराबर F इंटू S यही सूत्र है। यस, W बराबर एफ एस क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बधाई हो साहब, आपका ये फॉर्मूला बन गया है, सूत्र बन गया है, किसका, कार्य का। मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैंने कहा किसी वस्तु पर लगने वाले बल, ये लगने वाला बल, और इस बल के कारण जो उत्पन्न होगा इसमें क्या, विस्थापन, और उसके गुणनफल को, ये रहा बल वस्तु पर लगने वाला, ये तो रहा बल, और ये रहा उसके उत्पन्न विस्थापन, और ये रहा आपका W। मैं आपको एक डायग्राम बना करके थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि माना कि कोई समतल पर यह वस्तु पड़ी है A, क्या है इस वस्तु का नाम A, ये इस समतल पर खिसक करके उस बल के कारण आ जाती है कहां पे, यहां। अभी भी इस वस्तु का नाम क्या है, A ही है भाई, वस्तु तो सेम ही है। मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका नाम है अपने S। अरे कोई वस्तु है समतल पर, यहां कहां पड़ी है, ये समतल पर है भैया। बहुत सिंपल वे में, एकदम शानदार आसान शब्दों में समझाना चाह रहा हूं कि किसी समतल पर वस्तु पड़ी है A और इस पर बल लग रहा है F। बल कौन सा लग रहा है इस पर, F। किस दिशा में लग रहा है भैया, ये क्षैतिज से इधर लग रहा है। तो मैं यूं कहूंगा कि ये A वस्तु अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगी तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि ये कितनी चली है, S दूरी तक चली है, S इसमें विस्थापन उत्पन्न हुआ है, ये यहां से यहां तक आ गई है। तो किया गया कार्य आपके क्या आया, W बराबर F गुणा S, यही आपका क्या है, वर्क। अब सबसे बड़ी बात आती है इसका मात्रक। मैंने आपको कहा जिस भाई को परिभाषा आती है वो भाई सूत्र बना लेगा, और जिस भाई को सूत्र भी आता है वो भाई मात्रक बना लेगा। तो भैया आपके पास ये पड़ा परिभाषा, परिभाषा से आपने बनाया सूत्र, अब सूत्र से बनाओ मात्रक। कैसे बनाओगे तो आपको पता है, क्या पता है, बल का मात्रक क्या होता है। आप बोलोगे सर बल का तो हमें पता है, आप सही बोल रहे हो, W बराबर F इंटू S अपना क्या है, सूत्र है। सर बल का तो होता है न्यूटन, क्या होता है जवानों, बल का तो सर न्यूटन होता है, ठीक है भाई। विस्थापन का क्या होता है, सर विस्थापन का आपने बताया था हमें गति में मीटर, क्या बताया था, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या है आपके कार्य का मात्रक है, लेकिन न्यूटन इंटू मीटर को फिजिक्स बोलती है क्या, जूल। फिजिक्स क्या बोलती है इसको, जूल बोलती है भैया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि आपके कार्य का मात्रक क्या बना, कार्य का मात्रक क्या बना, जूल बना है, लिख लीजिए इसको, शॉर्ट में इसको प्रदर्शित करते हैं जे से। बोलो बात क्लियर है क्या, इतनी अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा है वर्क एनर्जी पावर का, कार्य ऊर्जा शक्ति का। सबसे पहला पॉइंट उठाया अपन ने कार्य, वही बात परिभाषा, परिभाषा से सूत्र, सूत्र से मात्रक। मैंने कहा किसी वस्तु पर अगर बल लगेगा तो उस बल के कारण उसमें विस्थापन होगा, तो उस बल का और उस होने वाले विस्थापन का जो गुणनफल होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, वही क्या होगा आपका, वर्क डन होगा। ये आपका कार्य का सूत्र है। फिर इस सूत्र से मैंने मात्रक बना लिया, इसका क्या,
कि बल का होता है न्यूटन और एस का मीटर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर को फिजिक्स बोलती है जूल, इसलिए कार्य का मात्रक हो गया क्या, जूल, शॉर्ट में इसको प्रदर्शित करते हैं जेस है। अब होता क्या है, कई बार ऐसा इतना सिंपल नहीं देते हैं कि इस वस्तु पर बल इधर लग रहा है, कई बार बल किसी एंगल पर लग रहा होता है, बल किसी कोण पर लग रहा होता है, अपने को पता नहीं चलता कि बस किस बल किस दिशा में लग रहा है। एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात समझानी आपको, वही चीज मैं समझा रहा हूं। जैसे ये कोई समतल है आपका, क्या है भैया, समतल है, यहां कोई आपकी वस्तु पड़ी है, मान लो अगेन कौन सी ए, अब यहां बल लग रहा है इधर की तरफ एफ, बल कौन सा लग रहा है एफ, ठीक है, और ये वस्तु इस बल के कारण आ जाती है यहां पे इस जगह पे, ये क्या है आपका समतल। अब वस्तु है ए, इस वस्तु पर बल लगा एफ, इसके कारण इसमें विस्थापन आया एस, अब आप बोलोगे सर एफ इंटू एस ही तो कार्य होता है, भैया बात तो आपकी सही है पर इसको कैसे मान लें कि इस बल के कारण ये वस्तु इधर आई है, कैसे समझ लें कि इस बल के कौन से घटक ने, तो यहां पर एक बात आती है कि इस प्रकार की अगर आपको कंडीशन दिखे, कैसी कंडीशन, कि आपके वस्तु पर लगने वाला बल कोई क्षैतिज दिशा या ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं है, इतना तो समझते हैं ना आप कि क्षैतिज दिशा तो होती है जमीन के पैरेलली जो अपन चल रहे हैं, क्षैतिज दिशा जो है ये और ऊर्ध्वाधर दिशा होती है ये, क्षैतिज दिशा ये ऊर्ध्वाधर ये, तो आपको अभी यहां पे पक्का नहीं है कि ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी है और क्षैतिज दिशा कौन सी है, तो भैया इस जगह पर कहा जाता है कि बल के कर लिया करते हैं कंपोनेंट, फैक्टर कर लिया करते हैं, घटक कर लिया करते हैं, तो जवानों ये एक घटक होगा इस तरफ, एक घटक होगा इस तरफ, और ये आपका किस एंगल पर लग रहा था, थीटा एंगल पर, अरे ये वस्तु पर बल जो लग रहा था वो थीटा कोण पर लग रहा था। तो ऐसा कहा जाता है फिजिक्स में, जब कभी भी कोई भी राशि, कोई भी बल, कोई भी विस्थापन, कुछ भी चीज अगर किसी कोण पर लग रही होती है तो उसके घटक कर लिए जाते हैं, कंपोनेंट्स कर लिए जाते हैं, तो आपने ये कंपोनेंट कर लिए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि थीटा के सामने वाला घटक हमेशा ही क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये रहा आपका एफ कोस थीटा, और दूसरा वाला होता है एफ साइन थीटा, अरे थीटा के सामने वाला घटक हमेशा ही कोस थीटा और जो दूसरा वाला होता है वो साइन थीटा। जब कभी भी आपको कार्य के चैप्टर में, कार्य के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बल नहीं देख करके किसी कोण पर बल दिया हुआ होता है तो उस बल के क्या करने हैं, घटक करने हैं, और उस घटक में भी जो थीटा के सामने वाला घटक होगा वो हमेशा ही कौन सा होगा, F cos थीटा होगा, और दूसरे वाला F sin थीटा होगा। मैं फिर से एक सिंपल लैंग्वेज वापस बोल रहा हूं आपके दिमाग में जाने के लिए, कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर बल नहीं दे रखा हो स्पष्ट थे कि क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, तो उस बल के लिए उसके घटक कर लिए जाते हैं, और घटक में थीटा के सामने वाला घटक हमेशा F cos थीटा होता है और दूसरा वाला F sin थीटा होता है। अब इसका कार्य का सूत्र जनरेट करो, तो जवानों W बराबर आपको पता है क्या होता है, बोलो एक बार, W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहां एक बात बोल दी जाती है कि इस स्थिति में, किस स्थिति में, जब बल किसी कोण पर लग रहा हो, इस स्थिति में एक बात बोल दी जाती है, आप चाहो तो मैं वो बात लिख देता हूं आपके लिए, बात बोलते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में, मैं पूरी बात लिख दे रहा हूं आप साथ में लिख लें, इस स्थिति में किया गया कार्य, इस स्थिति में किया गया कार्य, इस स्थिति में किया गया कार्य बल के विस्थापन की, बल के विस्थापन की दिशा वाले घटक तथा विस्थापन के गुणनफल, विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वापस से बात सुनना, समझना, मैंने कहा कि अगर आपको स्थिति स्पष्ट नहीं करे, वो अगर आपको खुली खुली बात नहीं बोले, तो बोलते हैं कि इस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भैया,
ये बोल रहा है बल के विस्थापन की दिशा वाले घटक। मैं भाषा अपनी बना के लिख रहा हूं भैया, मैं चाहूं तो कोई किताब की भाषा या किताब की लाइन लिख सकता हूं, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आएगा और फिर कोई मतलब नहीं है क्लास अटेंड करने का भी। मैं जहां तक सोचता हूं कि मैं जो भी बता रहा हूं समझा रहा हूं वो आपके सीधा सीधा माइंड में सेट हो जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने भाषा खुद ने बनाई है। क्या बोल रहा है कि बल के विस्थापन की दिशा वाले घटक, इधर देखना, बल के विस्थापन की दिशा, मुझे ये बताओ पहली बात तो विस्थापन किस तरफ है, क्षैतिज से विस्थापन है या ऊर्ध्वाधर है? अरे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है या क्षैतिज से जा रहा है? तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टली जा रहा है, क्षैतिज से जा रहा है। तो मुझे आप ये भी बता दो कि बल का विस्थापन की दिशा में घटक कौन सा है? तो विस्थापन की दिशा है ये, तो बल का घटक कौन सा है? एफ कोस थीटा है ना, सही है? यस सर सही है। तो क्या बोलते हैं, इस स्थिति में किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा वाले घटक तथा विस्थापन और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। दैट मींस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन की दिशा वाला घटक कौन सा? एफ एस कोस थीटा, येलो लिख दो, एफ कोस थीटा इंटू गुणनफल है ना, इंटू क्या, ये विस्थापन कितना है s, तो एफ एस कोस थीटा इंटू s, दैट मींस मैं लिख सकता हूं W बराबर एफ एस कोस थीटा। ये आपका एक और फॉर्मूला होता है कार्य ज्ञात करने का, बात को समझना। फिर से बोल दे रहा हूं मैं एकदम सिंपल सी बात, पहले एक बार इधर आ जाइए बोर्ड के, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कार्य के लिए बोलते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस बल के कारण उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ये तो एकदम बेसिक एकदम सिंपल सिक्स या सेवंथ क्लास की बात यह है कि कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणा कार्य होता है, इसका मात्रक होता है जूल, ये बात खत्म। ये तो छठी या सातवीं क्लास की बात हुई। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी आगे की, तो यहां कहते हैं कि अगर, ये अगर का मतलब क्या है, कंडीशन है, ये कोई स्थिति साफ नहीं कर रहा है, ये बात बोल रहा है कि अगर आपको बल वस्तु पर किसी कोण पर लगता हुआ दे दे और आपको पता नहीं है कि बल क्षैतिज में लग रहा है या ऊर्ध्वाधर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस एंगल से उस बल के दो फैक्टर कर लिए जाते हैं, वो फैक्टर जो थीटा के सामने है वो हमेशा कोस थीटा होगा, दैट मींस ये हो गया आपका एफ एस कोस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा, कार्य होगा अगेन वही बात, बल और बल का, बल और विस्थापन का गुणनफल, यहां बल क्या है, बल का क्षैतिज घटक है, विस्थापन की दिशा में घटक है, तो f cos थीटा इंटू s क्या आ गया, एफ एस कोस थीटा। अब अगली बात देखना, इस एफ एस कोस थीटा के आधार पर कार्य तीन प्रकार का होता है, देर आर थ्री टाइप ऑफ वर्क डन ऑन द बेसिस ऑफ एफ एस कोस थीटा, कैसे वो मैं बताता हूं। तो नेक्स्ट देखना, आपके जो कार्य होता है, जो वर्क डन है, वो होता है तीन प्रकार का, किसके आधार पर, एफ एस कोस थीटा के आधार पर। आप बोलोगे सर कोस थीटा का क्या लोचा है इसमें, जो आप बोल रहे हो कि कार्य तीन प्रकार का होता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल बात तो क्या थी कि कार्य क्या होता है, बल और बल के दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य, W बराबर एफ एस क्या है, कार्य। लेकिन कार्य होता कितने प्रकार का, एक्चुअल में तीन प्रकार का, एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य और एक होता है शून्य कार्य। कौन कौन से, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भैया धनात्मक कार्य के बारे में, सबसे पहला लिखें धनात्मक कार्य। सर ये धनात्मक कार्य का मतलब क्या है, मैं आपके लिए इसके लिए ब्रैकेट में लिखता हूं पॉजिटिव वर्क। सर ये पॉजिटिव वर्क क्या है, तो देखना ऐसा कहा जाता है, मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में सीधा सा समझाऊं, अगर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो, ये जैसे आपका कोई ब्लॉक है और इस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेस हो जाता है, इसमें विस्थापन आ जाता है, वो विस्थापन कितना है भैया, पहले सबसे पहले विस्थापन दर्शा देते हैं अपन, विस्थापन है इसके अंदर एस, कितना है विस्थापन एस। तो ऐसा कहते हैं कि अगर इस पर लगने वाला जो बल है, मैं यूं कहूं कि बल जो है, ये लो फोर्स ऐसे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यहां लग जाएगा थीटा है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ कोस थीटा, क्यों थीटा के सामने वाला हमेशा कोस थीटा होता, सर आपने बताया था, हमें क्या पता था, ये एफ साइन थीटा, ठीक है। अब आप कहना क्या चाह रहे हो सर ये बताओ, तो सुनना,
ऐसा कहते हैं पॉजिटिव वर्क वो होता है जिसमें बल और इस बल का जो घटक होता है वो विस्थापन की दिशा में होता है, या यूं कहूं कि 90 डिग्री से अगर थीटा कम होता है। आप बोलो सर ये क्या बात हुई, तो मैं आपको नॉलेज के लिए, हालांकि आपको मैथ्स का पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका जीरो। क्या होता है? जीरो। आपका कॉस जीरो डिग्री बराबर होता है एक। क्या होता है? वन। और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है आपका माइनस का एक। क्या होता है? माइनस का एक। इतनी अगर बात आपको आ रही है समझ में तो शायद आपकी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। कहते हैं कोस 90 डिग्री जो होता है वो होता है जीरो, कोस जीरो डिग्री होता है एक, और कोस 180 डिग्री होता है आपका माइनस वन। सर समझाना क्या चाह रहे हो? अब देखना, ऐसा कहते हैं कि अगर बल का घटक विस्थापन की दिशा में है और 90 डिग्री से कम है, यानी न्यून कोण है, लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो मैं यूं बोलूंगा कि बल का विस्थापन की दिशा में घटक जो उस वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन कर रहा है वो अगर 90 डिग्री से कम है तो आपका किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। कैसे? क्यों? क्योंकि कोस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होगी भैया? एक। कोस जीरो डिग्री क्या होगी? एक। और मैं यूं कहूंगा कि 90 डिग्री की जीरो होगी तो 90 डिग्री से कम जो होगा उसकी क्या होगी वैल्यू? पॉजिटिव। इसलिए बोलते हैं ये वर्क डन कौन सा होगा? प्लस वाला। अब इसका एग्जांपल क्या है सर? इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हाथ गाड़ी को या बैलगाड़ी समझ सकते हैं आप। हाथ गाड़ी बोलूं चाहे बैलगाड़ी बोलूं बात का मतलब एक ही है। हाथ गाड़ी को बल लगाकर खींचना। कैसे? ये रही आपकी, मान लो हाथ गाड़ी बल लगा करके खींचोगे भाई, कोई 37 में गाड़ी पड़ी हो उसको बल लगा करके खींचोगे। बल किधर लगा रहे हो? इस दिशा में। बल किधर लगा रहे हो? इस दिशा में। आपका उस गाड़ी में विस्थापन किधर हो रहा है? इस दिशा में। कोस कितना है? जीरो डिग्री। कोस जीरो डिग्री क्या होता है? एक। यानी कि W बराबर क्या होगा? एफ एस कोस जीरो डिग्री। W बराबर क्या होगा? एफ एस कोस जीरो डिग्री। और कोस जीरो डिग्री क्या होता है जवानों? एक। इसलिए आपका W बराबर क्या होगा? एफ एस। ये आपका पॉजिटिव वर्क हो गया, ये आपका पॉजिटिव वर्क हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? तो धनात्मक कार्य का उदाहरण है क्षितिज पर रखी हुई वस्तु को उसी दिशा में खींचना, ये क्या है? पॉजिटिव वर्क है। दूसरी बात नेगेटिव वर्क, दूसरा अपन पढ़ते हैं कौन सा? ऋणात्मक कार्य। दूसरा अपन पढ़ लेते हैं ऋणात्मक कार्य। अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है सर, ये भी बता दो। तो इसका एकदम विपरीत हो जाएगा भैया, इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। अब ये नेगेटिव वर्क क्या है वो मैं बता देता हूं। इसमें होगा आपका कोस 180 डिग्री बराबर होगा माइनस का एक। कैसे? तो देखना, मैं इसको बिना डायग्राम का सीधा समझाना चाहूं अगर कि अगर कोई तेज गति से कार चल रही है और उस कार को आपको रोकना है तो आप क्या करोगे? ब्रेक मारोगे। तो जब आप कार पे ब्रेक लगाते हो तो कार जाना चाहती है किस तरफ? आगे। आप रोकना चाहते हो किस तरफ? यहीं पे। यानी आप उसको क्या कर रहे हो? खींच के। या इसको उल्टा अलग तरीके से समझा दूं, कार के एग्जांपल को हटा दो। मान लो कोई आदमी आगे बढ़ रहा है या कोई बाइक पे रेस दे रहा है आगे बैठ के, आप उसकी बाइक को पीछे खींच रहे हैं, यानी कि उसका विस्थापन हो रहा है किधर? आगे। बल किधर लग रहा है? आप पीछे खींच रहे हो, यानी कि बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना डिग्री का हुआ? 180 डिग्री का। सपोज ये कोई कार है आगे जा रही है, मतलब इसमें विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, लेकिन इस पे ब्रेक लगने से बल लग के, अरे कार में जब ब्रेक लगता है तो वो वहीं रोकना चाहता है ना, लेकिन कार तो आगे जाना चाहती है, लुढ़क रही होती है, तो ऐसा बोलते हैं विस्थापन होता है इस तरफ, बल लगता है इस तरफ, तो ये जो कोण बनता है वो कितना बनता है भैया? 180 डिग्री का बनता है। इस केस में W बराबर आप करोगे एफ एस कोस 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री क्या होता है जवान? कोस 180 डिग्री माइनस वन, इसलिए W बराबर माइनस एफ एस होता है। इसलिए W बराबर माइनस एफ एस होता है। इसका एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल लिख लेना, चलती हुई कार में ब्रेक लगना, चलती हुई
कार को ब्रेक लगाकर रोकना, चलती हुई कार को ब्रेक लगाकर रोकना। अरे पॉजिटिव वर्क डन समझ में आया, नेगेटिव वर्क डन समझ में आया। अब अपन तीसरा पढ़ रहे हैं, कौन सा? शून्य कार्य। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? शून्य कार्य, या यूं कहूंगा जीरो वर्क। शून्य कार्य, या इसी को बोलते हैं क्या? जीरो वर्क। सर शून्य कार्य जीरो वर्क क्या होगा? आप खुद भी समझ गए होंगे, इसमें आपका कोस 90 डिग्री होगा और वो क्या होता है? जीरो। ये आपको एप्लीकेबल होगा कब? एग्जांपल बता देता हूं, पुली द्वारा सिर पर सामान रखकर, रखकर चलना। कैसे? ये मान लो सपोज दैट आपका कोई कुली है, ये आपका कोई कुली है जो सिर पर सामान लिए हुए, इस दिशा में चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका एस। ये रहा आपका कुली, इस जगह से इस जगह पर आ गया, सामान इसके माथे पर है। मुझे ये बताओ कि ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? एस, क्षैतिज से इधर जा रहा है, लेकिन इस पर जो बल लग रहा है, बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, mg। अरे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वस्तु का खुद का भार गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अरे बल होता क्या है? F बराबर ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास यहाँ पे क्या है? वस्तु का भार, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो बल लग रहा है नीचे की ओर, आदमी जा रहा आगे की ओर, एंगल बन रहा है, देखना, बल लग रहा है नीचे। मैं आपको इसको अलग कलर में शो कर दे रहा हूं, पिंक कलर से। बल लग रहा है नीचे की ओर, क्या? mg। बल कौन सा भैया? mg। आदमी जा रहा है इधर किस में? s विस्थापन में। थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और cos 90 डिग्री क्या होता है? cos 90 डिग्री क्या होता है? जीरो। दैट मींस w बराबर इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? fs cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है? जीरो। तो आपका आंसर W बराबर क्या आ जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या जीरो से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? जीरो। ये आपके तीन प्रकार के कार्य खत्म हुए। मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा देता हूं कि अगर कोई मैं यूं कहूंगा कि क्षैतिज पड़ी वस्तु है, उस वस्तु को आप आगे की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन उस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण बल कौन सा लग रहा है? जैसे मान लो ये कोई वस्तु पड़ी है, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण बल कौन सा लग रहा है? mg। और किधर लग रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की ओर लग रहा है। आप इसको ले जा रहे हो इस तरफ s विस्थापन पे, यानी इसके अंदर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। इसलिए ये कार्य भी कौन सा होता है? W बराबर जीरो। किस में गिना जाता है? शून्य वर्क में, जीरो वर्क में गिना जाता है। ये बात किस किस को समझ में आ गई है? अगर ये तीनों टाइप के आपको कार्य समझ में आ गए हैं तो एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल नॉर्मल सूत्र वाला करते हैं, फिर इन तीनों केस वाले करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल मैं यूं बताऊंगा आपको कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगने से 5 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है या आता है, 5 मीटर का विस्थापन होता है तो कार्य ज्ञात करो, होता है तो कार्य होगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आंसर देखना, पहले क्वेश्चन समझे। ये बोल रहा है कि कोई वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगेगा, यानी F दे दिया, 5 मीटर का उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, 5 मीटर आपको S दे दिया, क्या ज्ञात करना है? कार्य। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बोला है, तो W बराबर F गुणा S। ये क्या है? कार्य का सबसे पहला सूत्र। तो देखना F कितना दिया हुआ भैया? 20 न्यूटन, ये लो 20, इंटू S कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो 20 × 5 क्या हो जाएगा? 100। क्या आएगा? 100 जूल। ये 100 जूल आपका क्या है? किया गया कार्य है, वर्क डन है। ये बात समझ में आई का आपको? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, अपना टॉपिक चल रहा है कार्य ऊर्जा शक्ति का, लास्ट 3 या 4 क्लास का पूरा चैप्टर है अपने सिलेबस में। मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक उठाया कार्य, फिर अपन पढ़ेंगे ऊर्जा, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। सबसे पहली बात, कार्य पढ़ रहे हैं तो कार्य के लिए मैंने आपको कहा कि बल
तथा विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल व विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लेकिन कई बार कार्य किसी एंगल पर दे दिया जाता है तो उस केस के अंदर आपको उस कार्य बल के घटक करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं, और थीटा के सामने वाला हमेशा घटक कोस थीटा होता है, तो आपका एफ कोस थीटा होगा वो, और वही एफ कोस थीटा इंटू एस यानी डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा आ जाएगा। और उस कोस थीटा के कारण तीन प्रकार का कार्य होता है, एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है शून्य कार्य। धनात्मक कार्य तब होगा जब थीटा जीरो डिग्री होगा, यानी एफ एस कोस थीटा। अगर आप कोई वस्तु को क्षैतिज से पकड़ के खींचते हैं, वस्तु आपकी ओर आ रही है, बल आप अपनी ओर लगा रहे हो, यानी बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना, जीरो डिग्री, और जीरो डिग्री वाले कोण का मान कितना, कोस जीरो मतलब एक, इसलिए किया गया कार्य क्या, एफएस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक कार्य। लेकिन ऋणात्मक कार्य में कहा जाता है कि वस्तु को तो खींच रहे हो आप, इधर बल लग रहा है उधर, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो उस विपरीत दिशा वाले कार्य को क्या कहते हैं, जैसे चलती हुई कार में ब्रेक लगना, वो आपका नेगेटिव वर्क डन होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। और शून्य कार्य के लिए बोला जाता है कि कोस 90 बराबर क्या होता है, जीरो। जैसे कोई कुल्ली है अपने माथे पर सामान रख करके प्लेटफॉर्म पर चलता है, फिजिकली तो उसने बहुत काम किया, बायोलॉजी के हिसाब से तो उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा जिंदगी खराब करता है वो कुल्ली ऐसा काम करके, लेकिन फिजिक्स बोलती है वो कुछ काम नहीं करता। भैया इसको अदरवाइज मत लेना, बायोलॉजी तो कहती है बहुत काम करता है, फिजिक्स कहती है कुछ काम नहीं करता। कैसे, फिजिक्स के हिसाब से आदमी खड़ा है, चल रहा है, यानी उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लग रहा है mg, वो लग रहा है नीचे की ओर, जमीन की ओर, वो चल रहा है 37 थे, तो जमीन और 37 थे के बीच में कोण आता है 90 डिग्री का, कोस 90 डिग्री जीरो होता है, इसलिए कहा जाता है कि कुल्ली द्वारा सामान रख के चलना डब्ल्यू बराबर जीरो का एग्जाम्पल है ये आपका हुआ। ये हुई सिंपल सिंपल सी बातें। अब अपन कोई एक दो क्वेश्चन उठा करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, कितना बोल रहा है, 5 न्यूटन का बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से, कहां से भैया, क्षैतिज से, ऊर्ध्वाधर नहीं बोल रहा है, वर्टिकल नहीं बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल कितना दे रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो इस वस्तु को 20 मीटर, कितना 20 मीटर ले जाने में कार्य क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात क्या, आंसर, और आंसर से पहले दिमाग में इमेज, इमेज क्या, कोई माना की वस्तु पड़ी है, ये रही आपकी वस्तु, ये वस्तु बल लग रहा है इसके ऊपर एफ, कितने कोण पर लग रहा है भैया, 30 डिग्री। आप बोलोगे सर आपने ये एफ ऐसे ही क्यों बनाया, एफ कोस 30 डिग्री, और ये आपका एफ कोस एफ साइन 30 डिग्री, और ये आपका 20 मीटर का क्या है, इसके अंदर उत्पन्न विस्थापन है। आप सर कैसे समझ गए, आप कैसे समझ गए कि ये 30 डिग्री 37 से ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन जो बन रहा है कहां से, 37 से। तो अब आप इसको क्या करोगे सोल्व, तो W बराबर F S cos थीटा, ये क्या है आपका सूत्र है, तो इस सूत्र के अंदर F दे रखा है, हाँ दे रखा है, S दे रखा है, हाँ, cos थीटा दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो आप देरी किस चीज की है, आंसर निकालो, वापस वही बात, W F कितना दिया भैया, F दे रहा है आपको 5 न्यूटन, ये लो 5, गुणा S, S कितना दे रहा है भैया 20, ये लो 20 मीटर, इनटू कोस थीटा, कोस 30 डिग्री, कितना कोस 30 डिग्री, मैं फिर से बता रहा हूं, 5 गुणा 20 गुणा कोस 30, कोस 30 होता है √3/2, तो 5 इनटू 2 कितने हुए 100, मैं यूं कहूंगा 100√3/2 आंसर है, और कट रहा है तो आगे क्या आएगा 50√3 जूल, ये आपका क्या है भैया, किया गया कार्य है। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन ऊर्जा का टॉपिक, कार्य में आपके कोई ज्यादा विशेष नहीं है, नेक्स्ट अपन लेके आते हैं ऊर्जा के रिगार्डिंग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लगे रहे, ऑल द बेस्ट।